जिनकी सुनवाई थी वो बहुत अच्छी सुनवाई थी। एजुकेशन के सेक्रेटरी पेश हुए थे, उनको अंडरवर्ल्ड चीफ साहब ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी डांट भी लगाई कि ये मामला ऐसा है, आप यहाँ आ गए हैं बिना रिकॉर्ड लिए आ गए हैं, आपको आंकड़े लाना चाहिए थे, फिगर लाना चाहिए था, खाली हाथ आ गए, क्या संगम स्नान करने आए हैं, क्या घूमने आए हैं, अगर आप आए हैं ऐसे तो हम आपको वो ये पत्ता नहीं मिलेगा, डीएडीए नहीं मिलेगा, आज आपकी अब्सेंट लगेगी, तो सारा बोला था। उसके बाद आज और ही उत्सुकता वाली डेट थी, लेकिन इस बीच में गर्मियों की छुट्टियां भी आई और बड़ा अच्छा होता छुट्टियां वकीलों और जजों के लिए भी। और इस बीच में आदरणीय चीफ साहब गोरखपुर भी गए, धार्मिक यात्रा पर गोरखपुर भी गए, मठ में भी दर्शन किए और वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी हालात देख के आए कैसी है। और चीफ साहब ने जब गोरखपुर विजिट किया तो माननीय योगी जी ने भी उसका स्वागत किया, पलक पावड़े बिछाए और वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था करवाई और बहुत अच्छी लाइटिंग, सुरक्षा, सब लंच डिनर सब प्रोग्राम होते हैं भाई। चीफ साहब जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कभी कम अवसर आए हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस साहब मुख्यमंत्री जी से, सिटिंग मुख्यमंत्री जी से ऐसे उस तरह से जाएं, लेकिन बाब तो है, भक्ति तो है, गोरखनाथ मठ में कुछ तो ऐसा है जो कम सर 20 सेकंड, जब प्रधानमंत्री जी मिल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो फिर चीफ जस्टिस इलाहाबाद मिल सकते हैं। जिस दिन आपने कहा था कि इच्छा और शक्ति होती है तो केस डिसाइड होती है, हाँ तो वो वहां मिले और वहां अच्छा बढ़िया था। जब वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे, वो माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब के कमरे में मिलने के लिए, अटेंडम एकदम बहुत तुरंत कार्यक्रम बना, लेकिन यहाँ चीफ साहब पहुंच गए मठ में तो थोड़ा बहुत और अच्छा आनंद आया कि हमारे चीफ साहब धार्मिक है। और अब तो अनुदेशकों का मामला गोरखपुर से भी जुड़ा हुआ है, अब तो सब मामले निपट जाएंगे। शायद दो घंटे की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ साहब ने अच्छी चर्चा की होगी, बैठ के खूब भावपूर्ण चर्चा की होगी, समस्याओं को निपटाने के लिए चर्चा की होगी, समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की होगी और व्यक्तिगत रूप से बड़ी अच्छे इस तरह से हुए होंगे, मैं बात मानता हूं मैं। और इसका परिणाम आज मिलना था, मैं तो सोच रहा था असली हो जाएगा, अब तो माननीय योगी जी ने भी कह दिया होगा क्योंकि सिंगल बेंच फैसला कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ साहब के कनिष्ठ जस्टिस होते हैं वही फैसला, उन्होंने ही कहा था सिंगल बेंच के फैसले में 17,000 दे दो, 2017 में किया था फैसला, अब तो 17,000 से भी ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि 17 से 22 आ गई। तब सिलेंडर कितने का था, तब पेट्रोल डीजल कितने का था, तब महंगाई कहां पर थी, अब तो बहुत महंगाई बढ़ गई, अब तो 17 से 25-26 में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इनके वेतन भत्ते बढ़ ही चुके हैं, 17 के बाद से हर विधानसभा विधायकों के बढ़ाए गए, तो मुझे भी आशा जब विधायकों के बढ़ाए गए, जनप्रतिनिधियों के बढ़ाए गए, इन लोगों के लोक सेवकों के बढ़ाए गए, सरकारी कर्मचारियों के बढ़ाए गए, सरकारी नौकरी वालों के बढ़ाए गए, वेतन आयोग आए बढ़ा उसमें तो इनका भी बढ़ेगा। लेकिन अब हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, करना चाहिए चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ ना मिला। मामला 12 बजे सुनवाई के लिए था लेकिन मैं तो वहां पहुंच गया था, ये भी अच्छा रहा मैं पहुंच गया, 12:45 बजे मेंशन किया गया सुनने के लिए, तो जो जिन्होंने अपील डाली थी, स्पेशल अपील डाली थी एलपी मिश्रा साहब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा हमें डॉक्यूमेंट मिलने हैं, फिर डॉक्यूमेंट हम मिलेंगे पढ़ेंगे, एग्जाम किया जाए, टाइम दिया जाए। अब पिछली डेट पे लगातार पिछली तारीखों पे 1.5 घंटे बहस हुई है, 5-6 दिन लगातार सुनवाई हुई है, चीफ सेक्रेटरी से डिटेल मांगी गई थी तो चीफ सेक्रेटरी से डिटेल वगैरह की तो बात कोई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। काउंटर एफिडेविट आया है स्टेट की तरफ से, उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा 14वें वित्त आयोग पे हम नहीं दे सकते 14वें वित्त आयोग में, क्योंकि हमारी ये मांग थी और पूरी चाहती थी कि 14वें वित्त आयोग के आधार पे आप इनको पैसे बढ़ा दो, 17,000 बढ़ा दो, उन्होंने ये 14वें वित्त आयोग में दे दिया कि 14वें वित्त आयोग के आधार पर हम नहीं बढ़ा सकते, तुम गांव के गली खलंजे ऊंचे गांव गली गलियारे संभालने में लगाएंगे, हम शिक्षकों को नहीं दे सकते हैं। अब 60% केंद्र को देने की जिम्मेदारी है, 40% राज्य को जिम्मेदारी है, केंद्र कहता हम पूरा दे रहे हैं, राज्य कह रहा हमें पूरा मिल नहीं रहा, इसी बीच में थोड़ा पेज फंसा हुआ है पिछली बार से, इसीलिए सेक्रेटरी को बताया गया गेट हमने आंकड़े दिए इतना आया है, इस हिसाब से भाई सर गेट राज्य सरकार ने नहीं किया है, केंद्र पैसा दे चुका था सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो दे रहे हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा, उस समय के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जो रहे उन सबके लेटर फाइल में लगे हुए हैं, उनको अपने रिपोर्ट भी किया था, पिछले एक्ट में पढ़ के भी सुनाया था, जब फिजिकल थी ये चीजें कह चुके हैं वो तो दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो तो क्या है, वहां से यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ कम दिखा रहे हैं पैसे, वो ज्यादा दिखा रहे थे इसीलिए सेक्रेटरी पड़ गई, अब की सेक्रेटरी साहब बच गए, कोई बात नहीं हुई।
और अब किसमें दे दी गई, उन्होंने कहा ठीक है एलपी मिश्रा ने कहा हमें टाइम चाहिए, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप पढ़ लीजिए, हमारी एक ही रिक्वेस्ट हो पाई अर्ली हियरिंग कर लें, इसको जल्दी सुनवाई पे लगा लें, यही बात बोल पाया। तब तक उन्होंने कहा ठीक है डेट मिलेगी, जल्दी की डेट मिलेगी। उसके बाद डेट दे दी 12:30 बजे के करीब, 27 जुलाई की तारीख दे दी है, अब 27 जुलाई की डेट देगी। आशा रखना पड़ेगा, आशा ही जीवन है, निराशा ही अंधकार है, आशा नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। अब बड़ा कुछ कहेगा भी मारेगा भी तो रोना तो है नहीं, रोने तो देगा नहीं, चिल्लाने तो देगा नहीं, अब क्या बताएं। सरकार इन पर कार्यवाही जुर्माना जुर्माना क्यों नहीं लगा रही है, क्या है कुछ नहीं, जुर्माना लगाया उन्होंने, जुर्माना तो लगाया है, जुर्माना तो 10,000 जुर्माना तो लगा दिया हमारी तसल्ली के लिए। भाई दिल्ली से गए थे, इतने पैसे भी खर्च होते हैं, हमारी टीम जाती आती है, 10,000 जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन ये बात जुर्माने की नहीं है। क्या उस जुर्माने से मिश्रा जी जो इस बीच में आत्महत्या कर लेगा अनुदेशक, क्या जुर्माने से भरपाई हो जाएगी? आपने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई, आपने अपने राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, आपने और चीजों पे खर्च किया, आपने नई चीजों पे खर्च किया, तब आपको फंड कैसे व्यवस्था हो गई, तब आपको फंड कहाँ से आ जाता है, तब कैसे व्यवस्था हो जाती है? और अनुदेशक अपने जिंदगी जीने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए, अपने के लिए आपने जून में बुलाया, अनुदेशक जून में खड़ा हो गया। आपने योगा में इसको शामिल किया, वर्ल्ड का योगा दिवस मनाया, बहुत अच्छी बात है, योग होना चाहिए, योग हमारे देश की परंपरा रही है, योग गुरु रहे हैं, योग के बिना कुछ नहीं हो सकता, योग के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, योग स्वस्थ देता है, निरोगता देता है, लेकिन भूख के आगे योग फेल है। जब पेट नहीं भरा होगा तो योग करते करते मर जाएगा आदमी, जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के बाद योग है, रोटी पचाने के लिए योग है, भूखे पेट के लिए योग कभी नहीं है। लेकिन हमारा अनुदेशक जून के महीने में गया, जून के महीने में उसने ज्वाइन किया, आपके सब कार्यक्रमों के किया। हमारा अनुदेशक आधार कार्डों के लिए काम करता है, हमारा अनुदेशक आपके जनसंख्या के लिए काम करता है, हमारा अनुदेशक आपके 20 काम होते हैं सरकारी उनके लिए करता है, लेकिन आप उसके लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं क्या कहा, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अब मठ में साहब गए हैं, योगी जी ने स्वागत किया, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी परंपरा, खुशी मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस जब सम्मानित होता है तो हम भी उसी लाइन के आदमी हैं, बार और बेंच तो एक ही होती है साहब, हमारे बिना कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं चल सकती, उनके बिना हम नहीं चल सकते, हम तो एक न्याय रूपी रथ के पहिए हैं, न्याय रूपी रथ के पहियों के बिना न्याय का रथ हिल नहीं सकता, एक कदम नहीं हिल सकता। आप देखते हैं जिस दिन वकील स्ट्राइक पे होते हैं उस दिन कुछ भी न्याय का काम नहीं होता है, जज साहब सीधे लिख देते हैं अधिवक्ता महोदय न्याय के कार्य से विरक्त थे, स्ट्राइक पे थे, तो हम सब पहिए हैं। बड़ा अच्छा सम्मान हुआ, बड़ा अच्छा उन्होंने गोरखपुर में देखा, वकीलों की हालत देखी, विधिक कार्यक्रम देखा, बड़ी खुशी मिली, लीगल अवेयरनेस देखी, आशा है वहाँ गोला गोकर्णनाथ भी जाएंगे, लखीमपुर भी जाएंगे, वाराणसी भी जाएंगे, सारनाथ की कोर्ट भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, आगरा की कोर्ट में भी जाएंगे, और सब जितने मंदिर हैं, जितने सब जगह, सब धर्मों के हैं, हम तो भाई हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म के मुझे याद है, अब सब जाएंगे, सब जगह जाएंगे, माननीय चीफ साहब वहाँ पहुंचेंगे, सब धर्मों, क्योंकि चीफ साहब तो सब धर्मों के लोग हैं, चीफ साहब का तो कोई धर्म नहीं होता, उनकी तो कोई जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय रहता नहीं है, उनका तो सब कुछ होता है, सब जगह जाएंगे, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा देखने को मिला, हमारा भी प्रयास हुआ सब जगह जाएंगे, अब इसमें डेट मिली है 27 तारीख। जी क्या ऑनलाइन जुड़े थे कि आए थे? ऑनलाइन थे, वो ऑनलाइन थे लखनऊ से, वो ऑनलाइन थे, वहीं से जुड़े हुए थे, और उनकी रिक्वेस्ट भी, उनकी रिक्वेस्ट पर डेट मिली है, लेकिन शार्ट थोड़ी मिल गई, अब मैं तो इसे शार्ट ही कहूंगा, क्योंकि चीफ साहब के यहाँ तो एक उससे बाद मैटर आया, उसमें 2013 में रिज्वाइंडर दाखिल हुआ था, अब वो टाइम ले रहे हैं फाइल करने के लिए, फिर उन्होंने कहा एक दशक बीत गया, कमेंट तो बड़े अच्छे चीफ साहब कर रहे थे, एक पंचवर्षीय योजना भी थी, अगली पंचवर्षीय योजना भी थी, और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बितानी है, उनका भाव था, लेकिन हमारे में भी यही है, 2017 से 2022 आ गई, बड़ी आशा विश्वास के साथ लोग देख रहे हैं, बड़ी आशा विश्वास के साथ हम सब काम छोड़ के यहाँ आते हैं, कि दो चार लोगों के काम छूट जाए कोई बात नहीं, इन 27,000 के परिवारों के में दिया जलना चाहिए, वैसे 41,000 भर्ती हुई थी अनुदेशकों की, घटते घटते 27,000 हो गए, और ये 27,000 वो परिवार हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने और मदों से पैसे इकट्ठे करते हैं और अनुदेशक का कार्य पूरा करते हैं। इसमें 7,000 रुपए पेट्रोल नहीं पूरा होता आज की डेट, जब लगे थे तो 60-70 रुपए पेट्रोल था, आज 125 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो अनुदेशक पूर्ण रूप से इसी कार्य पे डिपेंड है, जो
जो अनुदेशक पूरी तरह से इस पे है वो भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका है, उसकी माँ बाप को दवा नहीं मिल पा रही है, उसके बच्चों की चप्पलें आपने देखी थी अनुदेशक की चप्पलें कैसी चप्पलें घिसी हुई टूटी चप्पलों में नीचे छेद हो गए थे, जून के महीने में जब टूटी चप्पलें दिखावे के लिए वो पहन के जाता था कि लोग ये न कहे नंगे पैर आ गया, लेकिन उसकी चप्पल अंदर से नंगी थी, उसके पैर तप रहे थे धूप में सड़क पर तपते हुए। इससे अच्छा तो साहब गाँव में सड़क न बनाते, इससे अच्छा तो साहब तारकोल की सड़क न बनाते, किसी बच्चे के पैर तो न जलते, मिट्टी तब भी रोक लेती है उस गरीबी को, मिट्टी तब भी रोक लेती है उस अभाव को, उस गरीबी के परिवार को, वो जलाती नहीं पैर, आपके तारकोल और डामर की रोड तो बच्चों के पैरों को जला रहे हैं, उन अनदेशों का क्या दोष है। शिक्षा आपकी प्राथमिकता थी, आपकी शिक्षा के आधार पर ही, प्राथमिकता के आधार पर ही आपको डबल इंजन की सरकार दी है, लेकिन जब माननीय हाई कोर्ट में बोलते हैं कि साहब अब तो डबल इंजन की सरकार है तो चीफ साहब कहते हैं नो पॉलिटिकल कमेंट्स। मिस्टर सिंह पॉलिटिकल कमेंट्स मत करिए, अब पता नहीं 2 घंटे वहाँ मठ में गोरखपुर में क्या कमेंट्स हुए होंगे पता नहीं, अब मैं तो पहुंच नहीं पाया साहब, हमें तो बुलाया नहीं, जो लोग होंगे कोई मिलेगा तो उनसे पूछूंगा, अब अकेले अकेले वार्ता हुई मुझे तो पता चल रहा, लोग कह रहे हैं अकेले अकेले वार्ता हुई, कई हमारे साथी हैं गोरखपुर के एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि अकेले अकेले वार्ता हुई, मैंने कहा तो और अच्छी बात है, तो बड़े गंभीर विषयों पे वार्ता हुई होगी तो बहुत फायदा होने वाला होगा उत्तर प्रदेश का, अब उत्तर प्रदेश की जनता का शायद भला होगा, वोट से भी भला होगा, लोग राहत भी देने लगे हैं, हमारे साथी एडवोकेट भी कहने लगे हैं साहब अब बदले बदले नजर आते हैं, अब बहुत अच्छा स्वभाव लगता है, अब सरकार की भी थोड़ी सी सुनते हैं, हमारे जो सरकार के वकील बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे मित्र हैं साथी हैं, हम उनके आभारी को कहते हैं साहब अब बदले बदले नजर आते हैं, अब अच्छा है, अब सरकार की भी अब सुनते हैं, सरकार की भी बात करते हैं, पहले नाराज हो जाते थे, सरकार हम ही तो है, सरकार और कोई नहीं, सरकार इस देश की जनता है, ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी जाती है, और सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कितने आते हैं जाते हैं रिटायर हो जाते हैं, सब कुछ चला जाएगा, नश्वर संसार है, जीवन खत्म होगा एक दिन, कोई अजन्मा नहीं है, कोई अमर नहीं है, कोई अविनाशी नहीं है, जब बाबा अमरनाथ में जाने पे भी लोगों की मौत हो सकती है तो इससे बड़ा कोई दुनिया में अमर और अविनाशी नहीं है, वहां भी जीवन ले सकते बाबा अमरनाथ जी, अरे तू आया यहाँ 60-70 लोगों की मौत हो गई वहां, तो इसका मतलब कोई धर्म कोई तंत्र मंत्र कोई संत कोई बाबा कोई महात्मा जीवन नहीं बचा सकता है जब वो अपने जीवन नहीं बचा सके, इसलिए लोकतंत्र की परिभाषा को समझना चाहिए और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको राजा के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में समस्याओं का समाधान करना चाहिए हल करना चाहिए, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ। सही कह रहे हैं आप, लेकिन टूटा परेशान व्यक्ति जाता कहां है, देश में जब सब जगह से आदमी लुटपीट जाता है तो एक ही शब्द कहता है गरीब का वही न्याय होता है वही आस होती है कि चल तुझे कोर्ट में देखेंगे, अनुदेशक के पास बच्चा कुछ नहीं है वो बार बार प्रयास कर रहा है कि चल तुझे कोर्ट में भी देखेंगे, सरकार को यहाँ भी देखेंगे वहां भी देखेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाली 27 जुलाई तारीख मिली है साई सिंह साहब, 27 जुलाई तारीख बुलाना उन्हें तो 27 जुलाई तारीख बोल दिया ना 27 जुलाई को ऐसा 27 जुलाई को क्या होगा ये तय करेंगे आगे, और कहां क्या निर्णय होगा ये अभी अंधेरे में, लेकिन आज सरकार पर या सरकार के उन नुमाइंदों पर जो जुर्माना हुआ वो एक बड़ी बात है, और वो सिर्फ हुआ तो सुनवाई के चलते जब दबाव आता है, और इसका आने वाले टाइम में फायदा भी मिलेगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जाहिर तौर पर बिल्कुल 100% ये जो कोर्ट से निकल के या मुंह से निकल के जब बात पराई हो जाती है तो उसका लॉस प्रॉफिट जरूर होता है, और उस सब पर अब सिर्फ इंतजार की घड़ी है, तो सिंह साहब से बस इतना, और सिंह साहब अगली तारीख 27 जुलाई है, हाँ जी 27 जुलाई तारीख है, पूरी आशा रखिए, निराशा को कोई मत जगह दीजिए, संत मुख्यमंत्री मिला है, महासंत प्रधानमंत्री मिला है, उसके अधीन सब सरकारें हैं, बहुत बढ़िया हमारा देश का राजा है, बहुत बढ़िया हमारा प्रदेश का राजा है, आगे नाथ ना पीछे पगई है, थैला लेके चलने वाले दोनों मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, एक जोड़ कपड़े रखते हैं, कोई परिवारवाद नहीं जातिवाद नहीं क्षेत्रवाद नहीं भाषा नहीं संप्रदायवाद नहीं, सीधी बात करते हैं, निश्चित भरोसा रखिए या तो सरकार कुछ डिसीजन लेगी नहीं तो अनेबल हाईकोर्ट डिसीजन लेगी, और साथियों अगर कहीं कोई डिसीजन नहीं हुआ अगर कोई बातचीत तगड़ी हो गई हो कहीं तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला है, हम वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन आप सही रहे स्वस्थ रहे
दीर्घायु रहे, संघर्ष करते रहे, अधिक मेहनत करें, ओवर टाइम करें, स्कूल के अलावा कोई घरेलू काम करें, अपने परिवार में घरेलू काम करें। अनुदेशक इस लड़ाई को लड़ रहा है, विक्रम सिंह भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके अनुदेशक अध्यक्ष हैं, शिव कुमार मिश्रा जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर समय ऐसे सोचते हैं जैसे इनके परिवार का कोई केस हो। शिव कुमार मिश्रा जी ऐसे हमें कहते हैं जैसे इनके 27,000 रिश्तेदार हों। लोग कहते ना कि तुम्हारे दामाद का काम है क्या, भाई का काम है क्या, बहन बेटी का काम है। हाँ, इस देश के, इस प्रदेश के अनुदेशक शिव कुमार मिश्र के भाई भी है, बेटे भी है, दामाद भी है, बेटी भी है, रिश्तेदार भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। इस लड़ाई को इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए सारे काम छोड़ के आप पहुंचा हूँ, और प्रयास होगा मेरा, ऐसा नहीं अभी से मैं कह रहा हूँ, आगे भी प्रयास होगा। लड़ाई बिल्कुल लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। इसमें शुरू किया है ये माननीय उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले, ऑनरेबल कोर्ट भी सुन ले कि ये हूँ, तो लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। या अनुदेशकों का मामला है, ये किसी व्यक्तिगत फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी अंबानी रिलायंस का मामला नहीं है जिनके घर भरे हुए हैं, ये उस गरीब का मामला है जो पीड़ित भी है, दुखी भी है, भूखा भी है, परेशान भी है, फिर भी योगा कर रहा है। सोचिए आप, फिर भी जून में जा रहा है। उसने तो कई ऐसे मेरे पास अनुदेशकों के फोन आए उस समय जब इन्हें बुला लिया गया कि जून में भी आओ। उन्होंने बिचारों ने एक अनुदेशक तो रो पड़ा, उसने पता क्या था कि मैंने तो पड़ोस में मिट्टी डालने का ठेका ले लिया था, किसी की भरत हो रही होगी तो उसने अपने मैं परिवार सोचा हम ये ट्रकों से मिट्टी आती है उठा उठा के हम इसकी भरत कर देंगे, पूरा भर देंगे इतने दिन में। उसने पैसे ले लिए उनसे, अपने परिवार की दवा की, माता पिता की इलाज कराया, घर में राशन रखा, सब कुछ काम किया, और उसके बाद उसके पास आ गया कि नहीं अब तो तुम्हें अनुदेशक वहां स्कूल जाना है। अब वो कहे कि हम क्या करें, मैं तो पैसे लेके इनके सब लगा चुका, अब अगर वहां जाऊंगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, वहां भी जाओ, बच्चों को काम पे भेजो, मिट्टी डलवाओ उनसे, वो भी काम करो। उसने दो दिन बाद रो दिया कि मैं क्या करूं, मेरी बीबी और लड़की जवान मिट्टी डाल रही है। उसे लोग अकेले होने की वजह से, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ वहां काम पे, उसे लोग गलत नजर से देखने लगे। वो रो पड़ा, मेरे पास कोई मिश्रा जी इस बात का इलाज नहीं थी, मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ठहर रहा, वो पथ क्या पते कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, उल्टी धाराओं में चलने वाला ही इंसान होता है, क्योंकि जो उल्टी धाराओं में चले। मैंने कहा तू दिन में स्कूल कर, रात में मिट्टी डाल, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार और बेटी और बहू की भी, बीबी की भी इज्जत बचा, सम्मान बचा, योगी जी की जयकारा लगा, मोदी जी के जयकारा लगा, और रात भर मिट्टी डाल, देखे समस्या कब तक होगी। कोई समस्या दुनिया में ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो, एक दिन इसका भी समाधान निकले। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विस्तृत बात करेंगे रात को अगर समय रहेगा तो 8 से 9 के प्रोग्राम में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कोर्ट से सारी जानकारी ली, और बधाई इस बात की कि आप आज 10,000 रुपया जुर्माना तो करा बैठे, कम से कम इन्हें की आंखें तो खुलेंगी। पहली बार अनुदेशकों के केस में शायद सरकार पर जुर्माना हुआ है, और जुर्माना होना ही एक बड़ी बात होती है, जुर्माना इससे नहीं है कि संख्या कितनी है, लेकिन सरकार को आज 10,000 रुपया इस बात का जुर्माना लगा कि आप पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद।